सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सपोर्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अभी खबर आई है कि चीन ने 25 करोड़ कंप्यूटर्स पर साइबर अटैक किया है और प्रभावित होने वाले देशों में भारत टॉप पर है। दोस्तों, दुनिया भर में साइबर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पहले वानाक्राई और अब नए मालवेयर फायरवॉल के अटैक की खबर आई है। सुरक्षा फर्म चेक पॉइंट ने फायरवॉल तेजी से फैलने की चेतावनी जारी की है। दुनिया भर में 25 करोड़ कंप्यूटर्स इस वायरस से प्रभावित है। इस वायरस से प्रभावित हुए देशों में सबसे बड़ा शिकार भारत है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है। सुरक्षा फर्म चेक पॉइंट का कहना है कि इसके पीछे चीनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हाथ है। कहा जा रहा है कि यह वायरस किसी भी कोड को आसानी से तोड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि यह वायरस दूर से फाइलें डाउनलोड करने में सक्षम है। यह फायरवॉल वायरस इस तरह बनाया गया है कि यह प्रभावित कंप्यूटर्स पर नजर रख सकता है और साथ में ही ज्यादा मालवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। ऐसे में यूजर्स की बैंकिंग डिटेल्स, पेटेंट्स और निजी जानकारी हैक होने का भी खतरा है। wire.com की रिपोर्ट के अनुसार इस वायरस को ब्राउजर को हैक करने के लिए ही बनाया गया है। इस वायरस के जरिए डिफॉल्ट सर्च इंजन को फेक सर्च इंजन में बदल दिया जाता है और प्रभावित यूजर्स के ट्रैफिक की निगरानी की जाती है। चेक पॉइंट के मुताबिक कारपोरेट नेटवर्क में पास में से एक कंप्यूटर इस मालवेयर वायरस से प्रभावित है। कहा जा रहा है कि यह वायरस कंप्यूटर के एक्सेस के लिए बैकडोर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है। यही नहीं, इस वायरस की मदद से चीनी हैकर्स किसी भी यूजर्स की जानकारी हैक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर यूजर से अपना डिटेल्स, इम्पोर्टेंट फाइल्स कंप्यूटर में रखते हैं तो उसे किसी अदर ड्राइव में अभी सुरक्षित कर ले और अपने एंटीवायरस को अपडेट करते रहे, क्योंकि आप भी इस वायरस के लपेट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को मिले और वो भी अलर्ट रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। दोस्तों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे टेक्निकल सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।